मेरे भाई और बहनों, क्या आप आज जो कर रहे हैं उससे क्या आपको पता कि कल आपको क्या मिलेगा? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट के बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। मैं भी आप लोग को एक छोटा सा भाई जो कि 20 और 25 के एज में आता हूँ। मैं भी अनएम्प्लॉयड पर्सन हूँ, मुझे भी अपने लाइफ को लेके बहुत टेंशन है। लेकिन टेंशन है, लेकिन हम उस टेंशन को लेके हम करें तो करें क्या? कहीं जॉब नहीं है, कहीं वैकेंसी नहीं है, कहीं वैकेंसी अप्लाई करो तो उसका रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट करो तो उसका कहीं जो हकीकत में जिसको जॉब मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, कोई और जाकर सिफारिश से जाकर बैठ जा रहा है उधर। क्या हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं? हम आजकल नहीं सोच रहे। क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि गवर्नमेंट सोचने नहीं दे रहा है हमको। गवर्नमेंट तो फालतू चीज़ों की तरफ हमें लेके चल रहे हैं। हम अपने गवर्नमेंट से कभी फाइट किया हमने अपने फ्यूचर को लेकर? कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि गवर्नमेंट ने मौका ही नहीं दिया। गवर्नमेंट ने बोला ये आवाज़ उठाओ, हम सब ने आँख बंद करके ये आवाज़ उठाने लगे। हमारे पास वो चीज़ सोचने के लिए समय नहीं है। हम अपने लाइफ को लेकर कभी डिसीजन नहीं कर पाए। हमने अपने लाइफ के बारे में कभी फ्यूचर के बारे में सोच नहीं पाए। क्या हम इस हल्ला बोल जो गवर्नमेंट कर रही है उसको बोलने से हमारी क्या लाइफ सुधर जाएगा, या हमारे लाइफ में कोई नया कोई चीज़ आएगा? नहीं आएगा, टाइम वेस्ट आएगा। हमारे जो एज है ना, एक एज होता है बोलते हैं बच्चों का पढ़ने का, वो एज हमारा कब चला जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। जो हम हल्ला बोल रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, हम दो वर्ड हम अपने खुद के लिए अगर पढ़ाई करेंगे वो टाइम निकाल करके, तो शायद मेरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी आजकल कंट्री में जो भी हो रहा है वो होने दीजिए। आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आप प्लीज़ फोकस कीजिए आप अपने पढ़ाई पे, और फालतू नॉनसेंस चीज़ तो ये सब 2 दिन का होगा, 4 दिन का होगा, 5 दिन का होगा, उसके बाद सब चला जाएगा। गवर्नमेंट यही पूछेगा, भाई आपने कितने पढ़ाई की थी कि आपको जॉब नहीं लगा? ये नहीं पूछेगा कि आपने कितना हल्ला बोला, आपने किस पार्टी के लिए। ये पॉलिटिशियन इंडिया का ना ऐसा ही है, जो आपको पढ़ने नहीं देगी। आपको खुद को अपने लाइफ के बारे में सोचना है और क्या करना है क्या नहीं, यू बेटर डिसाइड। सो प्लीज़ आई हैव टू हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी वन, प्लीज़ अपने लाइफ को लेकर सोचें, अपने लाइफ को ब्राइट करें। हम हर चीज़ एक एडजस्ट करके लाइफ जी लेते हैं, पर पॉलिटिशियन क्यों नहीं जीते हैं? क्यों? क्योंकि हमें वो जीने नहीं देते हैं। वो हमें बताते हैं कि तुम्हें लाइफ ऐसे जीना है। क्यों ना हम उसको बताएं कि तुम जो करोगे वो हमारे कहने पे तुम करोगे, पर लेकिन हमें तो फालतू चीज़ों पे ध्यान है। हमने अपने कभी फ्यूचर को लेकर, कभी एजुकेशन के लेकर, कभी अपना कुछ भी चीज़ अपना जो हमारे लाइफ में काम आने वाली उसको लेकर को तो कभी हमने कुछ बोला ही नहीं गवर्नमेंट से। हमने तो फालतू चीज़ों से डिसाइड किया। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, जो मैं कह रहा हूँ प्लीज़ एक बार सोचिए अपने फ्यूचर को लेकर। हम लोगों में से मेरी भी एक एज ऐसा है जो ओवरवेज होने वाला है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हम भाइयों, अगर आपको फाइट करना ही है, अगर हल्ला बोलना ही है अगर रोड पर आकर के, तो अपने फ्यूचर को लेके आकर बोलो, ना कि फालतू नॉनसेंस थिंग्स के लिए। प्लीज़ आपसे जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। अब ये दिखता है कि आप उस पर कितना ध्यान फोकस करते हैं, उस बात को कितना अमल करते हैं आप। प्लीज़ आपकी फ्यूचर है, आप समझते हैं कितनी अच्छी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए। पॉलिटिशियन नहीं डिसाइड करना चाहिए आपको फ्यूचर को लेकर के। आप अपने हक़ के लिए लड़िए, ना कि फालतू थिंग्स के लिए। आज गवर्नमेंट ये है तो आप इसके लिए बोल रहे हो, गवर्नमेंट को तो बहुत मज़ा आ रहा है। आपको भी मज़ा आ रहा होगा कुछ समय के लिए। जब आप एक समय ऐसा आ जाएगा, आप खुद आपको एक रोना आएगा, क्या जो मैंने अपने फ्यूचर में किया था उसको हम उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा होगा। तब पछतावा के सिवा कुछ नहीं रहेगा। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, आपको फ़ाइट करनी है तो गवर्नमेंट से आप अपने लाइफ को लेके, अपने ब्राइट फ्यूचर को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के, अपने फ्यूचर अपना जो फैमिली है उसको लेकर के सोचिए, ना कि फालतू थिंग्स के लिए। ठीक है, जो देश में रह रहे हैं वो रहेंगे, जो रहना चाहते हैं वो भी रहेंगे। आप नहीं डिसाइड कर सकते हो, ना कि ये चीज़ गवर्नमेंट भी डिसाइड नहीं कर सकती है। आप केवल ये सब फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व हो करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, ना कि आपको लाइफ में कुछ गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट को तो मज़ा आ रहा है अभी,
वो आपको लेके खेल रही है। खिलौना होता है ना बच्चे को जब हम दे देते हैं, बच्चे लेके कैसे खेलते हैं उस खिलौने को, वैसे गवर्नमेंट आपको यूज कर रही है, आपको लाइफ को लेकर, आपके फ्यूचर को लेके। गवर्नमेंट को बंदे मिल रहे हैं खेलने के लिए, वो खेल रही है, ये नहीं सोच रही है क्या इनका मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या इस बंदों का। अगर मैं यही बंदों को मैं बोलता 2 घंटे पढ़ाई करो तुम घर में बैठकर, नहीं करते, लेकिन 4 घंटे फालतू चीज़ें रोड पर आकर के बोलने के लिए बोलोगे तो ये बोलेंगे क्यों? यही लाइफ है आपकी, यही फ्यूचर है, कल यही काम आएगा कि 2 वर्ड बोलोगे रोड पर जाकर तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? नहीं ना। प्लीज़ भाई, मैं आपका भी एक छोटा सा भाई हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यही था कि जो भी आप कर रहे हो आप जानते हो बेटर बेटर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू, प्लीज़।